बेटे या उनकी पत्नी? जी 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 सर, चैनल पे क्या किसी तीसरे पर भरोसा क्यों नहीं है? और कल जो सर उनके लेटर पे क्यों नहीं, लेटर पर जो साइन किए गए हैं वो भी सर सारा श्री के ओरिजिनल साइन नहीं है सर। उनके जितने भी पिछले आप सिग्नेचर देख के चलिए सर, सुब्रत लिखते थे और उस पे सारा श्री लिखा है, वो गलत तरीके से लिखा हुआ सर। साइन भी उनके ओरिजिनल नहीं है सर। जो उन्होंने ट्रांसफर दिया है कि सारी जो है ओपी श्रीवास्तव देखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, उस पर भी सर जांच होनी चाहिए, उनकी सिग्नेचर वेरीफाई करने चाहिए सर। आशुतोष सर, मैं आपके चैनल से एक घोषणा करना चाहता हूं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और जमाकर्ताओं कि सुब्रत राय की अंत्येष्टि होने के बाद सुब्रत राय के 13वीं के कार्यक्रम में सामूहिक रूप से सारे लोग लखनऊ पहुंचे और स्वप्ना राय को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुब्रत राय की जगह प्रतिस्थापित कराने के लिए और उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए आगे निकल के आए और उनके दिशा निर्देशन में उनसे ही देश के लोगों का भुगतान कराने के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो फुल फ्लेज करके काम करना शुरू करें। हम देश के निवेशक भी कार्यकर्ता भी उनके ऊपर उतना ही विश्वास करते हैं और उनके कर्मचारी भी आज भी उतना ही विश्वास करते हैं। मुझे आशा है कि अगर स्वप्ना राय को ये कार्य मिल गया तो सुब्रत राय से ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से देश के निवेशकों का पैसा वापस कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। तो हम सभी लोग चाहेंगे कि उनकी 13वीं में, चूंकि आप उनका वो हो चुका है और 13वीं में आप सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, आपने उनको भगवान माना था, सहारा स्त्री कहा था, तो बिन बुलाए अपने सहारा, अपने भगवान जिसको आप कहते थे, अभिभावक कहते थे, उनके 13वीं के कार्यक्रम में पहुंचिए और इतनी तादाद में पहुंचिए कि देश भर के लोग यह बात कहने के लिए, क्योंकि आज भी समय है, मैं कह रहा हूं कि उनकी मौत हुई है, उनकी मृत्यु अगर हुई है तो वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। और इस तरीके से जिसने दुनिया में छोटी सी पूंजी लेकर के दुनिया को में एक बड़ा नाम कर डाला था, वो आज इस तरह से जाएगा तो दुनिया भी हंसी मनाएगी कि इतने बड़े कंपनी जिसके 12 लाख कार्यकर्ता, 13 करोड़ इन्वेस्टर, देश का सबसे बड़े रेलवे का आपका के बाद दूसरी कंपनी, और वो जाता है तो उसके यहां आज लाखों की भीड़ होनी चाहिए थी, ये आक्रोश था, इस नाते भीड़ नहीं हुई, लेकिन उनकी 13वीं में उनकी पत्नी को, धर्म पत्नी चुकी यहां है, उनकी धर्म पत्नी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी सुब्रत राय के चीफ की कुर्सी पे बैठाने के लिए सभी लोगों को निकल के आगे आना चाहिए, तभी हमारा पैसा सुरक्षित हो सकता है और यह कंपनी भी सुरक्षित हो सकती है। नहीं तो तमाम लोग जो है वो कंपनी को भी खा डालेंगे और पैसे का भी बंदर बाट कला डालेंगे, फिर किसी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। बढ़िया, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं अभय जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि ऐसा कोई ऐसा आप लोगों की तरफ से कोई इस तरह का विचार आए जहां कि उस कंपनी को भी लगे कि चलो हमारे निवेशक हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, और फिर कंपनी मिल करके, निवेशकों के साथ मिल करके उनके पैसे को के भुगतान के लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जहां से भी हो सकता है, जो आशुतोष सर, जब भी हमने आंदोलन किया, जब भी हमने कार्यक्रम रखा, जब भी छोटे बड़े कार्यक्रम रखा, सुब्रत राय को निमंत्रित किया, सुब्रत राय तक कोई है जो तीसरी ताकत जो कंपनी को बर्बाद कर रही थी, देश के निवेशकों को पैसा नहीं देना चाहती थी, कार्यकर्ताओं को गुमराह करके उनको निकाल चुकी थी, उन सभी लोग सुब्रत राय तक वो बातें पहुंचने ही नहीं देना चाहते थे, जिसके कारण आज 4000 से ज्यादा लोग मर भी गए हैं और आज स्वयं सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं है, आज उनके खिलाफ भी साजिश की बू आ रही है। तो हम तो आज भी चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक निवेशक हूं और मुझे देश में 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं में संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो, और ये कंपनी को मैं, हो सकता है आप लोग काम कर करके पैसे कमाए होंगे तो इस नाते विश्वास बना होगा, लेकिन मुझे वो एक राष्ट्रभक्त की और ओज के साथ दिखने वाला सुब्रत राय, जो देश दुनिया में इंग्लैंड में जाकर के अपना झंडा फहरा के आया था, मुझे अंतिम क्षण तक ये बात में विश्वास नहीं हो रहा था कि सुब्रत राय देश के लोगों के साथ गद्दारी कर सकते हैं। मैंने कभी भी सुब्रत राय को मन से गद्दार नहीं माना, और मैंने माना है तो उसके पीछे सेकंड लीड वाले लोगों को, जो अंततः उनको बर्बाद करने में कोर कसर नहीं छोड़े और सुब्रत राय को आज इस मुकाम पे लाके खड़े कर दिए।
और उसके सीधे जिम्मेदार सहारा प्रबंधन तंत्र के दूसरी पैरलर बॉडी है जो सहारा प्रबंधन तंत्र को नुकसान कर रही थी। आज सुब्रत राय जिंदा होते, देश के निवेशकों का भुगतान कराते और कहीं ना कहीं इन लोगों के मिसगाइड करने के नाते आज हमारे बीच में सुब्रत राय भी नहीं है और आज हमारे पैसे अधर में डूबे हैं। हाँ, हमको लड़ाई लड़नी पड़ी है,